टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो कंडीशन ऑलमोस्ट सभी घरों में देखी जाती है। मैं बात कर रही हूँ वेरिकोज वेन के बारे में, यानी जो नसों का गुच्छा आपके पैरों में बन जाता है उसके बारे में, जिसकी वजह से आपको चलने में तकलीफ आती है, पैरों में दर्द रहता है, सूजन रहती है, कभी आपको कमजोरी भी महसूस होती है पैरों में। तो आज मैं उसके आपको पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगी, उसकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस बताऊंगी। तो जनरली ये जो कंडीशन है वो उन लोगों में ज्यादा होती है जिनको खड़े रहने वाला काम ज्यादा है। देखिए वेरिकोज वेन के 5 स्टेजेस होते हैं, तो ये जो ट्रीटमेंट है वो अर्ली स्टेजेस वालों के लिए है। इसके 5 मेन पॉइंट्स है ट्रीटमेंट के। पहला है पोजिशन, दूसरा है मसाज, थर्ड इज कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी, फोर्थ इज फिजियोथेरेपी एंड द फिफ्थ इज कॉम्प्रेशन गार्मेंट्स। तो पहला जो है पोजिशनिंग, आपको इस तरह से अपने पैरों को पोजिशन करके रखना है। 2 तकिए ले लीजिए और अपने पैर उसके ऊपर रखिए, हार्ट लेवल से ऊपर आपके पैर होने चाहिए, वहाँ आप ऐसा पंपिंग एक्शन भी कर सकते हैं। दूसरा है मसाज। मसाज में आपको जो आपके पैर जहाँ पीछे जो मांसपेशियाँ जिसे हम काफ मसल्स भी कहते हैं, आपको वहाँ ऑलिव ऑयल से या मस्टर्ड ऑयल से आप यूज कर सकते हैं, वहाँ ऊपर की डायरेक्शन में आपको मसाज करना रहेगा। इसका मेन पर्पस यही है कि हमारा जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ यानी हमारे दिल की तरफ जाए। थर्ड मैं बात करूंगी कॉन्ट्रास्ट बाथ के बारे में, यानी ठंडा और गर्म सेक के बारे में। गर्म और ठंडे पानी की सेक की वजह से क्या होगा? तो जब आप गर्म पानी का सेक लेंगे तो वहां की जो नसें हैं वो खुलेंगी और वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और जब वही पैर आप ठंडे पानी के अंदर रखेंगे तो वो जो नसें हैं वो सिकुड़ जाएंगी, फिर वापस आप गर्म पानी में रखेंगे तो वो खुलेंगी, फिर वापस ठंडे पानी में फिर वो सिकुड़ेंगी। तो इसकी वजह से जो नसें हैं आपकी वहां पर पंपिंग एक्शन, खुलना बंद होने वाला मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। एज अ रिजल्ट जो आपका जो ब्लड फ्लो है, जो खून का जो प्रवाह है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, आपके दिल की तरफ आएगा और इससे आपको दर्द में राहत मिलेगी। अब बात आती है फिजियोथेरेपी के बारे में। तो फिजियोथेरेपी में भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी, वो भी आप घर पे आराम से कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद फिजियोथेरेपी। आगे पीछे आगे पीछे इस तरह से आपको गोल भी घुमाना रहेगा। अब हम करेंगे SLR मूवमेंट, यानी इस तरह से आपको एक पैर फोल्ड कर देना है और दूसरे पैर को आपको इस तरह से पैर ऊपर उठाना है और ये मूवमेंट करनी है। सिमिलरली आप दूसरे पैर को भी इस तरह से उठाएंगे और ये मूवमेंट करेंगे, ये लगभग आप 10 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसे हम बोलते हैं एयर साइकिलिंग। आपको इस तरह से अपने हाथ जो है कमर के नीचे रख लेते हैं और इस तरह से लेट जाना है साइड में और हमें इस तरह से पैर ऊपर उठाना है। ये भी करीबन आप 10 बार कर सकते हैं और दिन में आप 3 से 4 सेट्स मार सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह आपको दूसरे पैर की भी इसी तरह से साइड में एक्सरसाइज करनी रहेगी। अब जो नेक्स्ट पोजीशन हमें लेनी है वो इस तरह से हमें लेट जाना है, अपने दोनों पैर इस तरह से ऊपर पिलो के रख के आप यहाँ ये मूवमेंट और ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं और आपको इस तरह से फिंगर मूवमेंट भी करना रहेगा। ध्यान रखिए जो आपको पैर का जो लेवल है वो आपके हार्ट लेवल से ऊपर हो। इस एक्सरसाइज में आपको इस तरह से आपके दोनों पैर दीवार के सपोर्ट में रख के पंजे आगे पीछे करने हैं। पैर जो है आपको पूरी तरह से नीचे ले जाना रहेगा क्लॉकवाइज, सिमिलरली दूसरे पैर एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, इसमें जो आपका ब्लड है वो उसको पीछे आने में मदद मिलेगी और आपको आपके जो भी तकलीफ है उनसे राहत मिलने में मदद मिलेगी। इसे आप लगभग 10 बार कर सकते हैं और दिन में इसे 3 बार ज़रूर करिएगा। यह साइड व्यू में ऐसा लगेगा, आपको बिल्कुल पूरा सपोर्ट लेना है दीवार का और फिर इस एक्सरसाइज को इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से खड़े हो जाना है और अपने हील को इस तरह से ऊपर उठाना है,
आप आसानी से कहीं भी आप खड़े होने का काम जहाँ कर रहे हैं वहाँ ब्रेक लेके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया वो जो अर्ली केस जो है उनमें ये बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा, आप इसे जरूर फॉलो करिएगा। बात करते हैं कंप्रेशन गारमेंट के बारे में। कंप्रेशन गारमेंट जो है वो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आप अपने साइज के हिसाब से उससे परचेज करिए और उसे खड़े होने के टाइम जरूर पहनिएगा, क्योंकि जब आप वो पहनते हैं तो वहाँ वो प्रेशर क्रिएट करता है, एज अ रिजल्ट आपका जो ब्लड फ्लो है वो दबाव की वजह से ऊपर नीचे होता है और आपका जो दर्द है उसको ठीक होने में मदद मिलती है। आप इसे जरूर फॉलो करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।